मौजूद हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। जैसे कि डेंगू का वार एक बार फिर पूरी दुनिया में जैसे शुरू है, पाकिस्तान में भी उसी तरीके से डेंगू की बीमारी जो है, आपको पता है सर्दियाँ आते ही शुरू होते ही शुरू हो जाती हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में आइसोलेशन वार्ड जो है वो बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे कि ये बैनर्स लगे हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको रूम्स मेरी कोशिश होगी कि आपको वो दिखाऊँ जिसमें जो है केबिन्स बने हुए हैं बच्चों के। कुछ मरीज़ यहाँ पर हैं और कुछ जो है वो सेहत याब होकर जा चुके हैं। हमारी डीन साहब से बात हुई थी इसी हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि काउंटर यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर फौरी तौर पर जो बच्चे जब आते हैं तो उनका ब्लड टेस्ट करने के बाद जो है उनको जो है फौरी तौर पर जो जिस तरह की भी उनकी तबीयत जैसी हो उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जाता है। मेरी कोशिश होगी कि अब वो वार्ड भी आपको दिखाया जाए जिसमें बच्चे मौजूद हैं। जी, इस टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि वार्ड्स के हवाले से बात करें तो ये आइसोलेशन वार्ड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मौजूद है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर जो है केबिन्स में जो है बच्चों के लिए जो है वो रूम्स बनाए गए हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि मुख्तलिफ जो है बच्चों के लिए यहाँ मुख्तलिफ रूम्स में जो है बच्चों को यहाँ पर जो है डेंगू के हवाले से जो है वो रूम्स मौजूद हैं। पेशेंट भी हैं यहाँ पर मौजूद। ये छोटा बच्चा जो है वो डेंगू का पेशेंट है और चिल्ड्रन में तकरीबन जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है डेंगू के जो बच्चे जो खुदा न खास्ता अब तक तो सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो वो बेहतर है, कंट्रोल में है। तो हमारा मकसद था कि इस टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है डेंगू के हवाले से, क्या इकदाम लिए गए हैं ताकि आपको उससे हवाले से आगाह कर सकें। मेरे साथ खातून एक मौजूद हैं, उनका बच्चा जो है वो डेंगू से मुतासिर होने के बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे बात करेंगे। बाजी क्या कहेंगी, कैसे आपको पता लगा और कैसे हॉस्पिटल में पहुँची है? इन्हें संडे की शाम को फीवर हो गया था तो फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, तो हॉस्पिटल में उन्होंने छोटी बुखार वाली ड्रिप लगाई है। 2 दिन तक फीवर रहा है तो फिर मैंने इसे ना क्या नाम है, उन्होंने CBC का टेस्ट करवाया तो उसमें ना बी प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल कम आ रहे थे, तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा डेंगू का शुबा हो रहा है, ये डेंगू की तरफ जा रहा है। उन्होंने डेंगू की रिपोर्ट करवाई है तो वो पॉजिटिव आ रही थी तो फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। अच्छा, कैसा चिल्ड्रन में अगर इंतजाम की बात की जाए डेंगू के हवाले से, बच्चों का हॉस्पिटल है, किस अंदाज में देखती हैं सारी सूरत हाल को, बेहतर है या इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? नहीं, माशाल्लाह काफ़ी भाई अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं। सुबह और शाम में देखने आते हैं और दोपहर में भी बार बार पूछने आते हैं बच्चे ने कैसे खुराक खाई है कैसे नहीं, और भाई बार बार पेशाब का भी पूछते हैं कि पेशाब कितना किया है और खाना कितना खाया है। जितना हो सके वो कहते हैं कि लिक्विड जूस दें, लिक्विड चीज़ें दें खाने के लिए। तो बहुत अच्छा। अब तबीयत, अगर बच्चे की अब तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, वो अभी भी रिपोर्ट्स करवा रहे हैं। उन्होंने कहा दो तीन दिन लगेंगे ठीक होने में। दो तीन दिन ठीक होने में लगेंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा कि मुख्तलिफ रूम्स में जो हैं बच्चों के लिए केबिन्स जो हैं वो बनाए गए हैं डेंगू के हवाले से। काउंटर से जैसे आप आएँ ब्लड सैंपल लेने के बाद, टेस्ट होने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो उन्हें एडमिट किया जाता है। मेरी खातून से बात हो रही थी जिनका बेटा जो है पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर एडमिट है, उनका बताना था कि अब उसकी खासी तबीयत जो है वो बेहतर है। जैसे ओवरऑल अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो डेंगू तकरीबन कंट्रोल में है। अब हम ये कोशिश होगी कि डेंगू काउंटर पर जाएँ और वहाँ बात करें और कुछ एमरजेंसी में जो मरीज़ हैं उनसे भी बात करने की। नाज़रीन, इस टाइम मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मौजूद हूँ और मेरे साथ DMS मौजूद हैं डॉक्टर, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे अगर ओवरऑल मैं डेंगू की भी बात करूं और ओवरऑल इमरजेंसी की चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करूं तो इसके हवाले से? जी, बात दरअसल ये है कि आजकल डेंगू बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन जब जो सस्पिशन होता है उसका हम जो उसका ऑथेंटिक टेस्ट है वो हम कराते होते हैं। पहले CBC कराते हैं, उसमें देखते हैं अगर प्लेटलेट्स कम हो या ऐसा कोई सीन हो तो हम उनके डेंगू के पेशेंट्स का जो है वो ऑथेंटिक टेस्ट जो है NS1 है उस पे जाते हैं, और जब वो पॉजिटिव आ जाता है तो हम उन्हें एडमिट करते हैं फॉर 24 to 72 hours ताकि बच्चे की कंडीशन स्टेबल हो जाए। अगर बच्चा खा पी ना रहा हो सही, बच्चा लिथार्जिक हो तो हम कहते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एडमिशन्स होने चाहिए। तो बाकी प्रिपरेशन ये हैं कि हमारे पास एक अलग आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पर हम बच्चों को एडमिट करते हैं
और उनको वहाँ पर सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, सारे प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, उन्हें आइसोलेट किया जाता है। बाकी अगर उन्हें छुट्टी देनी होती है तो घर जाके भी हम उन्हें बताते हैं कि आपने इस तरह से प्रिकॉशनी मेजर्स लेनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, और डेंगू का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके अलावा जो हमारी इमरजेंसी मेडिसिन के हवाले से लोगों के जहन में एक सवाल है कि इमरजेंसी में जाएंगे मेडिसिन मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या कहें? नहीं, मेडिसिन जो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब आ रही है। हमारे MS साहब, हमारे डीन साहब ने ये बात इंश्योर कराई हुई है कि हर मेडिसिन आपको अंदर से अवेलेबल है। वो जो पेशेंट्स यहाँ पर एडमिटेड हैं उन्हें कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ला के देनी पड़ती, सब यहीं पर ही होती हैं, अवेलेबल भी हैं और ट्रीटमेंट भी यहाँ पर ठीक चलता है। नाज़रीन, इस टाइम SR डॉक्टर कश्यप मौजूद हैं, उनसे इमरजेंसी के हवाले से बात करेंगी। क्या कहेंगी बच्चों के हवाले से? यकीनन चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जनूबी पंजाब में अपनी जगह एक अहमियत मौजूद है, यहाँ अंदरून सिंध से, बलूचिस्तान से और पूरे जनूबी पंजाब से जो बच्चे पेशेंट जो है वो यहाँ पर आते हैं और लोगों की बड़ी तवक्कात वाबस्ता होती हैं आप लोगों से, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, साउथ पंजाब को बेसिकली चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है और हमारी भी पूरी कोशिश होती है। ये है कि पेशेंट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, मरीज़ बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि क्योंकि बच्चों के हवाले से ये है कि माँ बाप थोड़े ज़्यादा कंसर्न होते हैं, उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो हमारी कोशिश तो पूरी होती है कि जहाँ तक हम कर सकें दवाइयों के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से, हम अपनी तो पूरी कोशिश करते हैं कि, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इलाज हो रहा है, बच्चे से एहतियात होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं उसे। अच्छा कश्यप, ये बताइए कि मेडिसिन के हवाले से क्या किस हद तक मुतमईन है जो बच्चे जो बेचारे इमरजेंसी में सर्जिकल है उनका कोई इशू या वो रूटीन की जो मेडिसिन के लिए बेचारे आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं इमरजेंसी में, तो मेडिसिन अवेलेबल है यहाँ पर? मेडिसिन यहाँ पे बहुत हद तक अवेलेबल है। मैंने और भी कई जगहों पे अपर पंजाब की तरफ भी काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की अद्वियात जो बहुत महंगी हैं, जो कि आमतौर पे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी यहाँ पे बड़े आराम से अवेलेबल हैं और पेशेंट्स को जा रही हैं। यहाँ पे कोई हम हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि कोई भी मेडिसिन बाहर से हम नहीं मंगवाएं और ऐसा ही हो रहा है। नाज़रीन, मेरे साथ पेशेंट के जो है वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए? गिलेवाल से हैं हम। ये गिलेवाल मुल्तान के ज़िला लोधरा से। नाज़रीन, ये तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब का एरिया से जो है बेचारे यहाँ तशरीफ लाए हैं बच्चे की ट्रीटमेंट के हवाले से। कैसा आप, बच्चे की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर, हाँ। तो क्या इंतजाम के हवाले से अगर मैं पूछूँ तो मेडिसिन के हवाले से डॉक्टर का रवैया कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा रवैया इनका, ठीक हो रहा है सब कुछ। आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह मुतमईन हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने पेरेंट्स से बात की तो वो भी एक हद तक जो है वो डॉक्टर के रवैये से, मेडिसिन से, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जो है वो समझते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है। और नाज़रीन, पेशेंट की जो है साथ में फैमिली, उनके साथ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी बेटा, किसको साथ लेकर आई हुई हैं यहाँ और क्या हुआ है? ये मेरा भांजा है और हार्ट पेशेंट है, अब काफ़ी से पहले से काफ़ी बेहतर है। हार्ट पेशेंट है, कितनी उम्र है बच्चे? 1 माह और 7 दिन। क्या कहते हैं डॉक्टर? काफ़ी बेहतर है, यही कह रहे हैं अब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या हार्ट के हवाले से क्या कहा डॉक्टर ने, क्या बताया? हार्ट में सुराख है दिल में। नाज़रीन, आपने देखा कि दिल में सुराख है, 1.5 माह के बच्चे को भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल इमरजेंसी में लाया गया और पेरेंट्स जो है वो मुतमईन है क्योंकि यहाँ कार्डिक का जो है ऑपरेट भी किया जाता है और इलाज भी किया जाता है। तो मेडिसिन मिल रही हैं, क्या डॉक्टर का रवैये के हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर के भी काफ़ी अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी बेहतर मिल रही हैं और इधर से मिल रही हैं, बाहर से नहीं मंगवा। बाजी, कब से यहाँ तशरीफ़ लाई हुई? हफ्ते वाले दिन से, आज हफ्ते 8 दिन हो गए। तो क्या हुआ बच्चे को और क्या कहते हैं डॉक्टर? इसे बुखार हुआ था, गर्दन तोड़ झटके लग रहे थे, तो इधर लेके आए तो उन्होंने कहा इसे झटके लग रहे हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, तो उन्होंने ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी से, इधर दाखिल किया हुआ है, तो अब पहले से बेहतर है। अच्छा, क्या कहेंगी डॉक्टर के रवैये के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, कैसा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल का? ठीक है, कहो सुन लेते हैं, बुलाओ तबीयत ख़राब हो तो आके फ़ौरन देख लेते हैं, नर्स भी सुन लेती हैं, इमरजेंसी वगैरह हो तो अच्छी हैं वो भी। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर सामल मौजूद हैं जो एडमिन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल इमरजेंसी के, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे ब्रदर, माशाल्लाह अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात की जाए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल आईकॉन है साउथ पंजाब का
बच्चों के हवाले से लोग जो हैं परेशानी की सूरत हाल में अंदरून सिंध से, बलूचिस्तान से, पूरे जनूबी पंजाब के 12-15 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान तशरीफ लेकर आते हैं, तो आपकी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है क्योंकि इमरजेंसी पे जब पेशेंट को लाया जाता है सबसे पहले फौरी तौर पर इमरजेंसी में उसको ट्रीट किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, जितने भी आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं पूरे साउथ पंजाब में, वहाँ से जितने भी पेशेंट सीरियस बच्चे आते हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ही लाए जाते हैं। फिर उसका ये क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है कि हम पहले उन्हें ट्राई एज में एडमिट करते हैं, उसके बाद 48 आवर्स तक हम यहाँ पर रखते हैं उनको, उसके बाद जो बच्चे बेहतर हो जाते हैं उनको यहीं से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वरना ये है कि हम उनकी रिलेटिव वार्ड्स में, जैसे कि अगर किसी बच्चे को दिल का मसला है तो दिल वाले वार्ड में भेज देते हैं, अगर उसको फेफड़ों का मसला है तो पल्मो वार्ड में भेज देते हैं। यहाँ पे हमारे पास हर तरह की मेडिसिन बच्चों को फ्री प्रोवाइड की जाती है, डॉक्टर्स की कैपेसिटी भी काफ़ी है, मैक्सिमम ट्रीटमेंट जितनी कि इवन एक प्राइवेट पेशेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो हम यहाँ पर फ्री उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या मैसेज देंगे इमरजेंसी के एडमिट होने के नाते पूरे जनूबी पंजाब के व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, सिंध के व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जानिब से क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि यहीं पे बच्चे आए, यहीं पे मैक्सिमम ट्रीटमेंट ले आया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के निस्बत हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, सबसे अपग्रेडेड है, हर तरह की जितने भी सीरियस पेशेंट जहाँ से भी रेफ़र होते हैं माशाल्लाह यहाँ से सेटिस्फाइड होके जाते हैं, और हमारे पास वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और हमारे पास बहुत वेल क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी। तो डॉक्टर नाज़िर सावल मौजूद थे जो एडमिन हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, उनका यही कहना था कि यहाँ यकीनन जब कोई पेशेंट लेकर वालदेन या उसके लवाकिन जब यहाँ तक आते हैं तो बड़ी उम्मीदें लगाकर आते हैं अपने बच्चे के हवाले से, क्योंकि ये बच्चों का हॉस्पिटल है, 12 साल तक की शायद उम्र तक के, लेकिन कुछ जैसे कि हीमोटोलॉजी थैलेसीमिया के पेशेंट्स या कैंसर्स के 14 ईयर्स तक भी उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है जैसे सामल बता रहे थे। नाज़िर, आपने देखा कि बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको बच्चों के हवाले से ख़ुद से भी कुछ जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत है कि उनको हेल्दी ग़िज़ा दें, उनको साफ़ सुथरा रखें, उसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता किसी तरह की भी कोई परेशानी बीमारी की सूरत हाल से दो चार होता है तो आप बिला धड़क चिल्ड्रन हॉस्पिटल इमरजेंसी में आ सकते हैं, और ये याद रखिए आने से पहले आपका बच्चे को जिस भी तरह की कोई बीमारी या वहाँ पर किसी डॉक्टर को चेक करवाया तो वहाँ देख लें कि ओपीडी उस दिन के डॉक्टर अवेलेबल हैं नहीं अवेलेबल, क्योंकि दूर से अगर आने वाले जो हमारे पेशेंट जो हैं वो यकीनन उनको मुश्किल होती है। नहीं, हमारे पास 24/7 इमरजेंसी ओपन है, आपके पास रात के 3 बजे भी आएंगे, यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा, जो आउटडोर जो है वो यकीनन वो उसके लिए स्पेसिफिक जो डॉक्टर्स जो हैं वो उनके मुख्तलिफ डेज में वो जो बैठते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो एक कंसल्टेंट ओपीडी है हमारी वो तो 8 to 2:30 चलती है मंडे से लेकर सैटरडे तक, सिर्फ संडे वाले दिन ओपीडी नहीं होती, लेकिन इमरजेंसी में सीनियर रजिस्ट्रार और कंसल्टेंट्स होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि अगर लाहौर के बाद हम बात करें तो मुल्तान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बच्चों के हवाले से एक सायादार दरख्त की अहमियत रखता है। आप यहाँ पर मेडिसिन फ्री हैं, बच्चों को जैसे सामल बता रहे थे क्वालिफाइड स्टाफ है, नर्सिंग का स्टाफ बड़ा अच्छा मिलनसार प्यार करने वाला, बाकी हॉस्पिटल की तमाम इंतज़ामिया जो है देखभाल करने वाली है, तो आप बिला धड़क यहाँ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारा बुनियादी मकसद ही यही था कि डेंगू के हवाले से ओवरऑल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पिक्चर जो है वो आपके सामने लेके आई जाए कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आया कि इमरजेंसी किस तरह से चल रही है। जी, रखवा दो।